हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो अभी फिलहाल हूँ मैं मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पे। तो आज मेरी जर्नी होने वाली है गाड़ी नंबर 12216 गरीब रथ एक्सप्रेस में, जो कि बांद्रा टर्मिनस से चल के दिल्ली सराय रोहिला तक चलती है। और आज ये ट्रेन पूरे 5 घंटे की देरी से चल रही है। ये लेट इसलिए हुई है क्योंकि अहमदाबाद पर कोई गड़बड़ी चल रही है बारिश के चक्कर में, जो पानी भर के ट्रैकों पर। तो चक्कर में हमारी आज सारी सारी ट्रेन लेट है। मुंबई जाने वाली मुंबई से अहमदाबाद जितने भी ट्रेन है सारी सारी कैंसिल है। आज कुछ ट्रेन है जो चल रही है मगर वो भी लेट। अपनी दुरंतो जैसी ट्रेन भी लेट है, और वंदे भारत तो कैंसिल ही कर दी है, और अपनी डबल डेकर भी कैंसिल कर दी है। आप मुंबई आए और बारिश ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? क्या मैं जितनी बार गया मेरे को इतनी बार बारिश जरूर मिली है। मेरे को तो ये लग रहा है कि मैं टाइम पास कैसे करूँगा। इतनी 5 बजे हमारी ट्रेन यहाँ जाएगी, 12 बजे का टाइम था। देखते कैसे ना कैसे टाइम पास करना ही पड़ेगा। 5 बजे 5:30 बजे हमारी ट्रेन यहाँ से जाएगी, 4 बजे तो आएगी वो। मेरे हिसाब से और लेट हो सकती है हमारी ट्रेन, कोई भरोसा नहीं है ट्रेन का। ये लेट है तो लेट तो होगी, और मेरे हिसाब से कल ये दिल्ली हमको शाम के 6-7 बजे तक पहुँचाएगी, जिस हिसाब से ये लेट हुई है। देखते हैं, पूरी अपडेट देंगे आपको। और यहाँ से इसका निकलने का टाइम था 12 बजे का, और यहाँ से निकलेगी रात्रि 11 बजे। बहुत लेट होगी ट्रेन। गाड़ी में अभी एंट्री नहीं है वैसे, और देखो किससे बुरा हाल पड़ा है गाड़ी का, सारा का सारा भी ऐसे फैले पड़ा है। एक गाड़ी कब निकलती? गाड़ी तो वैसे 11 बजे का निकलने का टाइम है। सारा कुछ हो रहा है, चलो चलते हैं बाहर। ये तो आ गए हम बाहर, करते हैं आधे घंटे बाद विजिट करेंगे ट्रेन के अंदर। अभी तो साफ सफाई होगी। अभी देखो साफ सफाई हो रही है अभी। हाँ जी, तो आ चुके हैं हम ट्रेन के गेट पे। ये जो अभी हम ट्रेन में घुसे थे, तो ये कोच अटेंडेंट बोल रही है कि सुबह 5 बजे निकलेगी, और हमने कंफर्म करा है तो ये 11 बजे ही निकलेगी। वो ऐसे मजाक कर रहे थे, अभी हमने उसे पूछा फिर। और देखते हैं हमारी ट्रेन कब तक निकलती है, 11 बजे के बाद भी निकलती है या निकलती, देखते हैं। वैसे जो अपनी जो सीट है वो G18 में 38 नंबर सीट है, अपर बर्थ सीट तो वैसे बढ़िया मिली है। और वैसे अभी मैं G17 में, क्योंकि अपने कोच में साफ सफाई चल रही है और वहाँ पर गेट ही बंद कर रखा है। जब गेट खुलेगा तो तब मैं जाऊँगा अपनी सीट पे। और मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग कल सुबह से स्टार्ट करी जाए, क्योंकि रात 11 बज गए हैं, अब थकान से भी लग रही है। सुबह से स्टेशन पर ही हूँ, तो सुबह सीधा व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो अभी जाके हम सीधा सो जाएंगे। अगर हो सके तो मैं बोरी वाले तक दिखा सकता हूँ आपको, बोरी वाले तक दिखा दूँगा मैं, उसके बाद तो मैं सो ही जाऊँगा। और हमारी ट्रेन डाइवर्ट भी है, ये भारूच से वडोदरा के बीच में। आप देखते हैं रूट कौन सा होने वाला है। और ये जो अपनी गरीब रथ है, इसका एंट्री कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपको पर्दे मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको सीट वगैरह कुछ ऐसे देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको बोतल होल्डर वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे कुछ ऐसा, और यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप भी मिल जाएंगे जो उसकी वर्किंग वगैरह, यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट वगैरह, कपड़े वपड़े वगैरह टांगने के लिए कुछ ऐसा ही है। वैसे मुंबई का जो मौसम है वो बहुत बढ़िया हो रहा होता है, कि यहाँ पे बारिश हमेशा हो ही रही होती है। ये बढ़िया है मुंबई का, दिल्ली वगैरह में तो बहुत गर्मी होती है। वैसे हमारे यहाँ पे ट्रेन में जो वाईफाई लगा हुआ है, तो ऐसे यहाँ से लोकोमोटिव चेंज भी हो क्या पता हमारी ट्रेन में। वैसे भी रात के 11:14 हो रहे हैं अभी तक, मगर ये निकली नहीं है। 11 बजे का टाइम था इसका, मेरे लगा ही था कि 11 बजे के बाद ही निकलेगी, अभी तक निकली नहीं है। 11 बज गए मगर निकली नहीं। आप देखते कब निकलती हमारी ये गरीब रथ एक्सप्रेस लेट लतीफ। 11 बजे भी नहीं निकली। हाँ जी, तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से पूरे 11:30 बजे। और इसका होल्ड होने वाला है बोरीवली में। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह, क्योंकि रात बहुत हो रही है, रात के 11:30 हो रहे हैं। चलते हैं सोने के लिए, आज बहुत थक गया हूँ मैं। वैसे
ग्यारह बजे आ गया था स्टेशन पे, तो मैं स्टेशन पे बैठा रहा, वैसे बाहर भी थोड़ा बहुत घूमा तो मैं बहुत थक गया हूँ। चलते हैं सोने के लिए, मिलते हैं सुबह जहाँ भी मेरी नींद खुलेगी। अपनी सीट पे कुछ ऐसा इंटीरियर है, अपर बर्थ है ये, मगर जगह थोड़ी कम है, ऊपर से रखने में थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है, वैसे जगह बढ़िया है। सोते हैं फिर, अब रात ज़्यादा हो गया है, 11:30 हो गए हैं, जाते सोने के लिए सोने से कुछ बिछा रही है। वैसे इसमें टॉवल नहीं मिला मेरे को, मैं टॉवल सुबह मांगूंगा, अभी कौन मांग रहा है, अभी तो सुधार सोने टॉवल मैं इनसे सुबह मांगूंगा। ये कोचा टेंडर से, कोचा टेंडर दिख नहीं मिला नहीं, तो मिलते हैं सुबह आपसे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी हम सो के उठे हैं, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि अभी तक ट्रेन सूरत भी नहीं पहुँची है, और मैं बोल रहा पूरी रात ही एक ही जगह पर यहीं भी खड़ी हुई है, ऐसे थोड़े चली है फिर यहीं भी खड़ी होगी। भाई साहब, तो पहली बार देखो ट्रेन रात को चली अभी तक सूरत भी नहीं पहुँची है। सूरत मेरे हिसाब से मुंबई से 200 किलोमीटर दूर है। भाई साहब बहुत लेट होगी ट्रेन, अभी तक पहले होल्ड तक नहीं पहुँचे। जो सुबह जो रात को 11:30 बजे निकली हुई ट्रेन, वो 7:30 बजे तक अपने पहले होल्ड पर नहीं पहुँची है। भाई साहब बहुत लेट होगी ट्रेन, मेरे को लग रहा है कल तक पहुँचेगी ट्रेन। मेरे को तो बड़ी टेंशन है, मेरे को तो क्या होता तुम लोगों में। और ये किसी हम अमल साठ रेलवे स्टेशन पे रुके हुए हैं, देखिए यहाँ पर ट्रेन मेरे हिसाब से कल रात ही रुकी हुई है। देखिए स्टेशन कुछ ऐसा स्टेशन पीछे है, मेरे को यहाँ पे तो स्टेशन आया नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है ट्रेन में या कुछ रूट में कोई दिक्कत होगी है। पैसेंजर ट्रेन आ रही है यहाँ पे, विरार भरूच पैसेंजर ट्रेन, आराम से बैठ रही थी इसके भी। हाँ जी चलते हैं अपनी सीट पे, और पहले पता रहता है ऐसा सीन है तो मैं स्टार ट्रेन में आता ही नहीं, मैं फिर किसी जनरल से निकल जाता, गोल्डन टेम्पल से निकल जाता, किसी से भी निकल जाता, और बहुत ज़्यादा ट्रेन लेट हो चुकी है। अभी हो रहे हैं 9 बजने वाले हैं, रात 2 बजे से रुकी हुई खड़ी हुई यहाँ पे, समझ लो कितनी ठीक है। सारे पैसेंजर यहाँ पर हर वेटिंग कर रहे हैं कब चलेगी ट्रेन, मगर कोई अपडेट नहीं है। और यहाँ पे स्टेशन पे अनाउंसमेंट हो रही है कि जिसको भी चाय पानी पीना है वो आगे आ जाइए, आपको चाय वगैरह सब मिल जाएगा। मेरे हिसाब से 3-4 घंटे और नहीं हिलने वाली यहाँ से ट्रेन। हमारी ट्रेन में अनाउंसमेंट हुई है कि कुछ देर में हमारी ट्रेन निकलने वाली है यहाँ से 10 बज चुके सुबह के। देखने वाली बात है कि सूरत हम कब तक पहुँचते, क्योंकि सूरत पहले होल्ड पे नहीं पहुँचे हैं, रात 2 बजे से यहाँ पे खड़ी होगी, 2 घंटे होंगे जगह तो शुरू किए हुए, कितने कब निकलती है, और बारिश भी शुरू हो चुकी है। ऐसे ही हालत है ट्रेन की, साफ सफाई वैसे बढ़िया नहीं, क्योंकि ट्रेन लेट है तो साफ सफाई हुई नहीं है, जल्दीबाजी में इसको भेज दिया। अच्छा बेसिन वगैरह देख सकते हो, थोड़ा बड़ा तो गंदा हो रखा है, चलिए मैं बाथरूम दिखाता हूँ। चलिए शीशा तो बिल्कुल चकाचक क्लियर है, लाइट वाइट वगैरह सब जल रही है, और नीचे का ये भी पानी वानी तो आ रहा है। वैसे देखो ये भी टूट चुका है, इसमें कुछ ऐसा है नीचे, साफ उतना ठीक ठाक है मगर उतना अच्छा नहीं है। वैसे बदबू तो आ रही है हल्की हल्की बाथरूम में, सुनने लगते हुए सही है, काम चला हुआ है बाथरूम में, तो पूरा खाली हो रखा है, गिने चुने पैसेंजर हैं, देख सकते हैं आप सीट वगैरह सब खाली है। यह है मेरी सीट ऊपर वाली 38 नंबर। चलिए जी करीब 9 घंटे बाद हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है,
पहुंचने वाले हम सूरत जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इस गरीब रथ में यहाँ पे पानी की भी फिलिंग करी जाती है कोच में। पानी और स्टेशन में आपको स्टॉल वगैरह खाने पीने के लिए सिस्टम बढ़िया मिल जाएगा, तो वड़ा पाव वगैरह भी मिल रहे हैं। इंदौर डॉन एक्सप्रेस ट्रेन निकल चुकी है सूरत जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ पे ट्रेन पूरे 7 घंटे की देरी के साथ आई थी, यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट रुकी और इसे जंक्शन से बोलते हुए यहाँ से जलगांव के लिए लाइन गई है और वडोदरा होते हुए रतलम होते हुए दिल्ली के लिए लाइन गई है और यहाँ से मुंबई के लिए लाइन गई हुई है, तभी से जंक्शन बोला जाता है। अब इसका होल्ड होने वाला है सीधा भारूच वडोदरा होते हुए जाएगी अहमदाबाद। देखते हैं इसका रूट डाइवर्ट साइड से होने वाला है, मैंने सुना है अभी। तो ये पहुंच चुके हैं भारूच जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे ये ट्रेन पूरे 17 घंटे की देरी से आई है और ये जो वहाँ से अपनी सूरत से चली है सीधे यहीं पे आकर रुकी है, बढ़िया भागी है वहाँ से, 130 भागी थी। और इससे अगला होल्ट हमारा होने वाला है वडोदरा। यहाँ से इसका रूट चेंज हो जाएगा, अलग रूट से जाएगी वडोदरा, जिसका रेगुलर रूट होता है उस रूट से नहीं जाएगी ये। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट है। चलिए जी, निकल चुकी है हमारी ट्रेन यहाँ भारूच जंक्शन रेलवे स्टेशन से, क्योंकि मैंने गुजरात में पड़ता है ये स्टेशन, ये अंडर में आता है वेस्टर्न रेलवे जोन में। चलिए जी, निकल चुके हैं।
ठीक है। यहाँ पे कैसे पानी बहाव कर रहा है, देखिए देखिए ट्रेन लेट है, इतनी है इतनी क्या, सारी की सारी लेट ट्रेन राजधानी तक लेट है, इतना पानी लगा हुआ। वडोदरा स्टेशन पहुंच चुके हैं, वहीं तक पहुंच चुके हैं गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे ट्रेन पूरे 20 घंटे की देरी से आई है और यहाँ पे स्टेशन कुछ खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, और बाकी ट्रेन में तो सारा ओवर प्राइस खाने पीते जा रहे हैं। देखते हैं तो ऑनलाइन भी खाना मिल नहीं रहा, देखिए ऑनलाइन में क्योंकि ट्रेन लेट हो चुकी है ना, क्योंकि अब तभी खाना मिलेगा नहीं ऑनलाइन, देखते हैं। और इसे जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से अपनी अहमदाबाद के लिए लग गई है, मुंबई के लिए लग गई है, और भी जगह के लग गई है, बाकी मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि यहाँ से कहाँ के लिए लग गई है। चलिए हमारी ट्रेन निकल चुकी है वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से, यहाँ स्टेशन पर मेरे को कुछ खाने पीने के लिए कुछ मिला ही नहीं। ये देखिए कितना पानी लगा हुआ है ट्रैक पे, पहली बार ऐसा मंजर देख रहा हूँ, ट्रैक तक पानी भर चुके हैं। ऐसी गेट पे आया वैसी ट्रेन निकल चुकी थी, मैं सोच रहा हूँ कुछ खाने पीने के लूँगा, यहाँ पे नहीं होगा। दो मिनट मुश्किल से दो मिनट भी नहीं रुकी होगी, एक मिनट रुकी, यहाँ से निकल ली। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, जो 2-3 साल बाद चालू हो गई, यहाँ पे काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, पिलर खड़े हो रहे हैं यहाँ पे, और कुछ ही देर में हम पहुँचने वाले हैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, और हम खड़े हैं मणिनगर रेलवे स्टेशन पर। अहमदाबाद जंक्शन हाँ जी, तो पहुंच चुके हैं हम गुजरात के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन।
और यहाँ सबको इंडिया में हर कोने में जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। चेन्नई जाओगे, कहीं जम्मू कश्मीर जाओगे, हर जगह के लिए आपको यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी। वैसे यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का होल्ट है, सबसे ज़्यादा होल्ट यहीं पर है इस ट्रेन का। ठीक है, तो मिलता है इसको अभी डिपार्चर पर। जैसे मैंने यहाँ से वड़ा पाव और समोसा लिया खाने के लिए, और कोई है नहीं अवेलेबल यहाँ पे, तो मिलते हैं डिपार्चर पे आपसे। और इधर आपको खाने पीने की चीज़ें बढ़िया मिल जाएगी, समोसे वगैरह में स्टॉल वगैरह बहुत सारा है जी। तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से, पूरे 10 मिनट के होल्ट लेने के बाद। जी तो ये निकल चुके हैं हम अहमदाबाद से, हम बढ़ जाएंगे राजस्थान की ओर। जी तो बड़ी धीमे गति से हम किसी स्टेशन पे स्किप कर रहे हैं, और इसका अहमदाबाद से सीधा स्टॉप होता है गांधीनगर कैपिटल, फिर से पालनपुर रोड, यही इसका रूट है। और मेरे हिसाब से दिल्ली पहुंचेगी कम से कम रात के, नहीं सुबह के 7-8 बजे करीब पहुंचेगी। हमारी गाड़ी 24 घंटे लेट होने वाली है, और इससे मेरे हिसाब से ओवरटेक वगैरह फुल पड़ेंगे, क्योंकि बेंगलोर अपनी अहमदाबाद राजधानी वगैरह भी इसको ओवरटेक करेगी। आश्रम एक्सप्रेस और जो इसकी पहले जो चल रही है गरीब रथ, वो भी ऑन टाइम चल रही है, वो भी इसको ओवरटेक करेगी। देखने वाली बात है कि कहाँ पर ओवरटेक करते हैं, आपको मैं जरूर बताऊँगा। चुके हम गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। अब ये स्टेशन देखो कैसे एयरपोर्ट जैसा लग रहा है पूरा। यहाँ पे वो चाय की दुकान वगैरह भी मिल जाएगी। डेवलप्ड है पूरा ये स्टेशन, दो प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। ये तो यहाँ से डिपार्चर हो चुका है गांधीनगर कैपिटल से। क्या शानदार रेलवे स्टेशन बना, गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन से। अब इसका सीधा होल्ड होने वाला है पालनपुर रोड, जो कि शायद से अपना राजस्थान में पड़ता है, और ये वहीं से राजस्थान में एंट्री हो जाएगी इसकी, इस गरीब रथ की। वैसे जर्नी एक्सपीरियंस की बात करो, जर्नी एक्सपीरियंस इसमें बढ़िया आ रहा है, वैसे मगर ये लेट हो चुका है, उसकी दिक्कत है पसंद को। बाकी से तो ठीक है, इस ट्रेन का साफ सफाई बढ़िया, इस ट्रेन की साफ सफाई हो जा रही है, और बस इतना ही कुछ। देखिए सारा कूड़ा फेंक रहे हैं इस गेट से, देखो
वाइप 4 और वाइप 5। रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। जी तो ये पहुंच चुके हैं मैं रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। मैं रात को जल्दी सो गया था, कम से कम खाने वगैरह के बाद तो मैं सो गया था, क्योंकि 7 बजे जो टाइम नींद बहुत तगड़ी आई थी और पूरी दिन खाया, मैं सुबह जल्दी उठ गया था। वैसे तो अभी दिल्ली पहुंचने वाली है और अभी हमारी ट्रेन 24 घंटे लेट हो चुकी है, 24 घंटे बाद पहुँच रहे हमारी ट्रेन। वैसे ट्रेन ठीक ठाक है, वैसे साफ सफाई बढ़िया, मगर ट्रेन लेट होगी क्योंकि उस चक्कर ये बेकार होगी ट्रेन थोड़ी, 24 घंटे लेट होगी हमारी ट्रेन। जी तो ये निकल चुके हैं हमारी ट्रेन रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। स्टेशन आपको खाने पीने का चीज़ बढ़िया मिल जाएगी, समोसा वगैरह पूड़ी वगैरह मिल जाएगा आपको, स्टॉल वगैरह बहुत सारी है स्टेशन पे। और स्टेशन के बाहर आपको खाने पीने की चीज़ें बढ़िया मिल जाएगी, गया था एक बार। जो रेवाड़ी स्टेशन है ये आता है अपना हरियाणा में और ये अंडर आता है जोन में NWR नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे में, और इससे थोड़ा आगे निकलते हैं कि हमारा नॉर्दर्न रेलवे जोन आता है रेवाड़ी जंक्शन। और रेवाड़ी को जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से अपनी गई है अपनी एक लोहारू के लिए लाइन गई है, और ये अपनी जयपुर के लिए लाइन गई है, और यहाँ से अपनी दिल्ली के लिए लाइन गई, यहाँ से और बीकानेर के लिए भी लाइन गई है। काफ़ी बड़ा जंक्शन है हरियाणा का। आते हुए सारी ट्रेन पूरी खाली हो चुकी है, देख सकते हैं आप, एक भी पैसेंजर नहीं है इसमें, गिने चुने ही हैं, एक दो ही मिले बस। यहाँ 8:22 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक
2 पर पहुंचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें के लिए